Good evening. I'm Mark to show third opinion with Mr. Bashani, and I'm your hostess, Lean. Mr. Bashani, my first question is regards to the verdict of a mosque in Ayodhya, and there has been a lot of discussion from both sides, India and Pakistan. If you can please tell us about what the verdict was, what was discussion on, and what's really happening with this mosque there. थैंक यू जाजलीन. अब इस पर तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गई है, चूँकि आज दो तीन दिन से जो है ना, एज वी स्पीक एयर, तो ये सैटरडे को जो है वर्डिक्ट जो है डिसीजन कोर्ट का सामने आया था. तो अब ये दो तीन दिन में ये इतनी बड़ी इस पर डिस्कशन हो चुकी है कि एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग अबाउट इट, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा. लेकिन नटशेल में ये है कि ये एक पुराना डिस्प्यूट चल रहा था जो है इस मस्जिद पे, जो आम लोग, जो हमारे सामेन जो बैकग्राउंड नहीं जानते, तो कोर्ट के अंदर था कि वहाँ पे जो है इस मस्जिद में कि ये किसकी मलकियत है, क्योंकि हिंदुओं का क्लेम है कि वहाँ पे जो है वो राम की जन्मभूमि है, दैट प्लेस. ओके. और मुसलमान ये कहते हैं कि जी ये बाबरी मस्जिद थी, जो बाबर के जैसा के नाम से जाहिर है से मासूम थी, और मुगलिया दौर में ये तामीर हुई, तो इसलिए जो है ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी. तो ये एक पुराना झगड़ा है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा था कि बोथ साइड देवर क्लेमिंग, और दोनों का क्लेम, मुसलमानों का क्लेम तो एक मस्जिद का था, तो मुसलमानों के लिए मस्जिद जो है ना इज़ अ वेरी सैक्रेड, एक मुकद्दस प्लेस है ऑलवेज बाई ऑल मीन्स. लेकिन इसकी तारीखी हैसियत भी थी, लेकिन इसके बावजूद जो हिंदुओं का क्लेम था, देयर इट वॉज़ मोर सीरियस ऑन टॉप ऑफ दैट, चूँकि उनका क्लेम ये था कि ये राम की जन्मभूमि है, यानी जहाँ पे मस्जिद ऐन उसका वो है, मिंबर है, उसके नीचे जो है ना राम की पैदाश हुई थी. तो राम ऑब्वियसली यू नो कि उनके नज़दीक एक बड़ी अहमियत की अमल है, सो इट वॉज़ रियली वेरी सीरियस कंटेस्ट. अंग्रेज़ों के ज़माने में इस पर बात चलती रही बहुत अरसा. बाद में जब ये आज़ादी हुई तो 1949 में गालिबन इस पर फिर एक वो कोशिश हुई, तो ये दोनों तरफ से जो है वो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी नेहरू साहब की क़यादत में, उन्होंने दोनों तरफ से उसको बंद कर दिया. तो उसके बाद ये इसकी एक लंबी हिस्ट्री है कि ये केस चलता ही रहा. मुमकिन है जो सिविल लिटिगेशन का इंडिया की जो है तारीख का तवील तरीन केस था, और इसकी बहुत सारी वजूहत थी कि वाई द जजेस दे वर नॉट कमिंग अप विद द वर्डिक्ट, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा इट वाज हाईली सेंसिटिव, रिलीजियसली स्पीकिंग, हिस्टोरिकली स्पीकिंग, हेरिटेज के अतवार से, सो इट वाज ए सेंसिटिव इशू. तो जो जजेस ने अलाहाबाद हाई कोर्ट ने गालिबन इसका डिसीजन किया था कि इसको डिवाइड कर दो, तो वो भी एक बीच का उन्होंने तरीका निकाला था कि प्रॉपर्टी को डिवाइड करके हिंदू मुसलमानों में. तो लेकिन ये कोर्ट जो है इसने फाइनली आके तो इस पे डिसीजन किया एट दिस क्रिटिकल टाइम पे, तो इसलिए इसकी बहुत बड़ी अहमियत है मेरे नज़दीक. ये चूँकि इसके बहुत सारे पहलू हैं जिसको देखना चाहिए. आई वॉज़ डीपली डिसअपॉइंटेड ऑन मैनी मैनी इंटेलेक्चुअल्स अक्रॉस द डिवाइड, जिनको मैं बड़े जो है कीनली वाच करता हूँ, उनकी तहरीरें पढ़ता हूँ, और मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा मैं उनकी बातों से रहनमाई भी लेता हूँ, उनके बाज़ चीज़ों में बड़ी विजडम होती है, लेकिन दे रियली डिसअपॉइंटेड मी, चूँकि मैंने देखा कि सबका रिएक्शन जो है ना बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म का रवायती रिएक्शन जो होता है ना, विदाउट थिंकिंग, डीपली इमोशनल, नो रेशनल और नो जस्टिस. एक होता है ना जस्टिस करना कि मैं उसमें मुसलमान हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बात वो करूँ जो मुसलमानों के हक में हो, दैट मीन्स मुसलमान इज़ ऑलवेज राइट. अगर मैं ये बात करूँगा तो अगर एज ए मुसलमान मेरी मुसलमानी ये है कि मैं इंसाफ की बात करूँ, और अगर किसी बात पे कोई मुसलमान थिंकिंग रॉन्ग है तो आई शुड बी सेइंग दैट टू, लेकिन मुझे उसका उल्ट नज़र आया जी. और एक ऐसे वक्त में नज़र आया जब पहले ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक फ़िरकावारियत, सेक्टेरियनिज़म, रिलीजियस जो है वो एक फेवर, ये जो है वो फंडामेंटलिज़म, एक टेंशन, ये सारी चीज़ें उरूज पे हैं. तो इस वक्त जो इंटेलेक्चुअल होता है उसका काम ये बनता है कि वो चीज़ों को इस तरीके से देखे और उसको मिस इंटरप्रेट या चीज़ों को समझे बगैर, उसकी डिटेल में जाए बगैर. मैं देख रहा था जो इन डिसीजन आया वो पढ़ने के लिए कम से कम 8 घंटे तो चाहिए, मैंने उसको कम से कम 5-6 घंटे उस पर सर्फ किए सैटरडे को.
तो लोगों ने 5 मिनट बाद उस पर बड़े बड़े तबसरे देने शुरू कर दिए. जैसे उन्होंने पूरा डिसीजन पढ़ लिया, उसकी लीगल इन नोट पे गौर कर लिया, उसका रेशनल समय लिया और उस पर फतवे देने शुरू कर दिए. दैट इज़ टोटली रॉन्ग. और ये जदीद दौर का ये जो हमारा मीडिया है ना, जो जिसको हम दो धारी तलवार कहते हैं, खुसूसन सोशल मीडिया, इसमें डेंजर यही है कि इसमें ये नैरेटिव बनाना लोग शुरू हो जाते हैं विदाउट थिंकिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग, नो लैग वर्क, नो थाट प्रोसेस. तो वो फिर इस तरह का झूठ और रॉन्ग किस्म के नैरेटिव्स जो हैं वो फील्ड में इंट्रोड्यूस होने शुरू होते हैं जो इसके साथ. तो उस पर मैं बात करना इसलिए ज़रूरी समझता था, देखें एक तो लीगली लोग बहुत बुरे तरीके से कन्फ्यूज्ड हैं. ये जो कहते हैं ना मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो गई, पहली बात ये है. चूँकि फैसला हिंदुओं के हक में हो गया, और ज़ाहिर है मुसलमानों के हक में होता तो यही बात की जाती कि चूँकि मुसलमानों के हक में इसलिए हिंदुओं से ज़्यादती हो गई. सो व्हाट इज़ ए नॉनसेंस, लुक एट द एसेंस कि जो लोग अपने आप को दानश्वर कहते हैं वो कैसे इतना नीचे जा सकते हैं. उसमें पहली बात वो जो इग्नोर कर रहे हैं कि कोर्ट ने ये डिसीजन कोई अकीदे की बुनियाद पर नहीं किया, नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन और फेथ. कोर्ट ने ये डिसीजन जो है वो किया बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट एंड एविडेंस. चूँकि ये सिविल लिटिगेशन का केस है, इट वॉज नॉट द केस ऑफ फेथ आर क्रिमिनल केस आर केस अबाउट एनी आइडियालॉजिकल आर एनी रिलीजियस डायरेक्शन. ये केस था मलकियत का, इसको हक मलकियत, ये जो सिविल लिटिगेशन में एक बुनियादी जो हर लॉयर लॉ स्कूल में एक तालब इल्म पढ़ता है ये वो है, ए बी सी है इसकी, कि किसी चीज़ पे अगर दो फरीक जो हैं वो क्लेम करें कि ये मेरा है और ये मेरा है, तो हाउ व्हाट काइंड ऑफ लॉ द जज विल रिक्वायर टू एडजुडिकेट, उसको कैसे हल करेगा. अब इसमें उन्होंने मलकियत देखी, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमारे यहाँ दीवानी केस कहते हैं सिविल लिटिगेशन में, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं. पोजेशन किसका है, कितने अरसे से है, मलकियत के एक पार्टी के पास प्रूफ क्या है और दूसरे के उसके ख़िलाफ़ क्या प्रूफ हैं. जो पार्टी मलकियत क्लेम कर रही है वो उसको साबित करने के लिए किस तरह की एविडेंस दे रही है, क्या वो एविडेंस इनफ है कि उसकी बुनियाद पे जो है उसके हक में डिसीजन. ये इस तरह के लॉजिकल जो सेट ऑफ रूल है और लॉज हैं वो कोर्ट अप्लाई करता है. एज ए लॉयर एंड एज ए एक एनालिस्ट मेरी 100% ये ओपिनियन है कि कोर्ट ने ये जो डिसीजन किया लीगली स्पीकिंग इज़ ए फ्लॉलेस, लीगली स्पीकिंग इसमें जो लीगल आर्गूमेंट है इज़ ए फ्लॉलेस. इसमें उन्होंने कोई अकीदा इन्वॉल्व नहीं किया, ना ये लिहाज रखा कि इसमें पीछे कौन सा मजहब है और आगे कौन सा मजहब है और किसको फ़ायदा होगा और किसका रिएक्शन होगा. टोटली एक लीगल डिसीजन है. जहाँ तक एथिकल की बात है तो जजेस जो हैं वो बाज़ औक़ात ये नहीं है कि वो एथिक्स नहीं देखते, कि किसी चीज़ के एथिकल इम्प्लिकेशंस नहीं देखते कि ये डिसीजन होगा तो इससे क्या होगा. जैसे कई दफ़ा जज जो है वो डिसीजन के साथ ये लिख भी देते हैं कि फॉर दी हायर आर पर्पस और फॉर दी ग्रेटर गुडनेस ऑफ द कम्युनिटी हमने ये डिसीजन किया, तो वो उसमें कह भी देते हैं, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं. लेकिन मैं समझता हूँ कि एथिकली भी उन्होंने हर चीज़ को बड़े प्रॉपरली उस प्रोस्पेक्टिव में रख के देखा. अगर उसमें एक चीज़ जो है उन्होंने ये की कि देखें जो उसको अलग किया मस्जिद के वजूद को और उसको गिराने के अमल को और मलकियत को, जो लोग नहीं समझते और आपस में कंफ्यूज करते हैं. इसमें इशू दो हैं, एक तो ये है कि क्या जो मस्जिद गिराई गई थी बाबरी मस्जिद जी 92 में गालिबन या 4 में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, तो उस वक्त जो है क्या ये फेल दुरुस्त था. तो इस पर कोर्ट ने बगैर किसी लगी लिबर्टी के क्लियरली कहा कि दैट वॉज रॉन्ग, दैट वॉज रॉन्ग. अब इसको वो यूज़ कर रहे हैं कोर्ट के ख़िलाफ़ कि अगर वो रॉन्ग था तो फिर ज़ाहिर है डिसीजन ऐसे कैसे हो गया. तो वो ऐसे हो गया कि कोई भी मस्जिद जब एक जगह पे बनी हुई है तो फिर उसको गिराने का इख्तियार जो है वो इस तरह की प्राइवेट पार्टीज़ के पास नहीं है कि कोई भी जुलूस लेके हजूम इकट्ठा करके तो जाके गिराए. अगर उसको गिराना ज़रूरी है तो उसके लिए एक प्रोसेस है. सो देयरफॉर दे डिसाइडेड दैट इट वॉज़ रॉन्गफुल डिसीजन बाई दैट बंच ऑफ पीपल हु डिड दिस. लेकिन उनके खिलाफ केस ऑलरेडी चल रहा है क्रिमिनल कोर्ट में, जिसका लोगों को नहीं पता, एंड इज़ येट टू बी डिसाइडेड कि क्रिमिनल कोर्ट में उन पर जो चार्जेस लगे हैं बलवे के और तोड़फोड़ के और वगैरह वगैरह के, उसको क्या कोर्ट क्या डिसीजन करेगा. ऑब्वियसली इस डिसीजन का भी उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, चूँकि एक तरीके से जो हाईएस्ट कोर्ट है आपका उसने एक इशारा दे दिया कि इट वॉज़ ए रॉन्गफुल एक्ट. ठीक है, यस मिस पशानी, आई एम गोना होल्ड यू राइट देयर, वी विल कंटिन्यू डिस्कसिंग दिस. व्यूअर्स प्लीज टू एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक.
Welcome back, viewers. Ms. Bashani, we were still discussing the verdict and how it was wrong before, and I think you can go in detail with that matter. तो उसमें मैं ये इसलिए कह रहा था ना कि why people think like that, because they think either emotionally or they are totally misguided or they do not have enough information, या फिर वो legally trained नहीं हैं कि एक legal mind work कैसे करता है, argument को कैसे देखता है. वो एक बिल्कुल अलग field है, जिस तरह medicine है कि आप किस तरह diagnose करते हैं, ये सारी चीज़ें. इस तरह law का भी एक process है जिसके अंदर रहता है. ये कोई अपनी आप राजी नहीं है कि जिसको जो मर्जी decision या जिस तरीके से करे. You have to prove your decision, बैक इट अप विद द आर्गूमेंट, और एक बाकायदा एक स्कूल ऑफ थाट है, एक पूरा सिलसिला है. तो इस हिसाब से ये भी बिल्कुल फ्लॉलेस है. इसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया, इसके दो पार्ट हैं. जो क्रिमिनल एक्ट हुआ, मस्जिद को डिमालिश किया गया, दैट इज़ ए रॉन्ग थिंग, लेकिन उसका मलकियत से कोई ताल्लुक नहीं. अब रही मलकियत की सवाल, तो मैंने कहा कि वो उन्होंने एविडेंस के बेस पर डिसाइड किया. तो अब रहा जो एथिकल, इसमें मैंने देखना था, तो वो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अब जजेस ने इसको वो फॉलो किया. लेकिन जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, देखें अगर मुसलमान और हिंदू जो हैं वो सदियों से एक शहर के अंदर और एक मुल्क के अंदर रहते हैं. तारीखी अतबार से उनके इबादत खाने हैं, लेकिन इबादत खाने स्ट्रिक्टली स्पीक किया जाए तो उनके नहीं हैं, बल्कि खुदा के हैं, या अल्लाह के हैं, या राम के हैं, या जो नाम उसको आप दे दें. इबादत खाने तो बिलोंग टू देम, ये तो मजावर हैं या उनके पुजारी हैं या उनके रखवाले हैं या उनके गार्ड हैं. ये जो रोल बनता है इस्लाम में, कम अज़ कम हिंदुज़म के हवाले से मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस्लाम के हवाले से मैं दावे से कहता हूँ कि एक इमाम मस्जिद जो है या एक मुल्लान जो वहाँ बैठा है या जो मौलाना हजरात हैं, उसका वो मजावर है, वो चौकीदार है, वो पुजारी है. उसका काम, वो कोई मालिक नहीं है कि वो उसको अपना वो क्लेम करना शुरू हो जाए या उसके दिमाग में कहीं ये फतूर निकल के आ जाए कि वो कोई खुदा का सिपाही है और खुदा जो है वो उसके डिफेंस का मोहताज है. यानी उसने खुदा की प्रॉपर्टी बचा के रखी हुई है, वरना खुदा से लोग प्रॉपर्टियाँ छीन लेंगे या उसको गिरा लेंगे या लेके भाग जाएंगे. जिसका दूसरा मतलब ये है कि वो अपने आप को सुपीरियर समझता है, नाउज़ बिल्ला. ये कुफराना किस्म की सोच है जो वो इस तरीके से करते हैं. तो उसमें अगर आपके दरमियान एक तकाजा है जिसमें आपकी एक मस्जिद है, तो मस्जिदें तो मुसलमानों की जो हैं वो लाखों में, अगर करोड़ों में नहीं हैं तो लाखों में तो दुनिया में हैं. हर चप्पे पे एक मस्जिद है. और मस्जिद का काम क्या है? ये अल्लाह का घर है जिसमें लोग जमा होके तो कोई इबादत करते हैं, या कम्युनिटी का कोई इशू है उस पर इकट्ठे होते हैं, या कोई दुआ करते हैं, ये चीज़ें हैं. तो इसके लिए इस्लाम में ये कोई ख़ास तसव्वुर नहीं कि मस्जिद यहाँ होनी चाहिए या वहाँ होनी चाहिए, या यहाँ बहुत मुकद्दस है और वहाँ कम मुकद्दस है, या यहाँ ज़्यादा अहम है और वहाँ ज़्यादा अहम है. ठीक है ना जी. वो पूरी दुनिया जो है वो एक मस्जिद है, एक बड़े मानों में, और उसके अंदर फिर ये छोटी छोटी मस्जिदें हैं जो सब बराबर हैं तकद्दस के हवाले से, हिस्टारिकली और एथिकली. जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है उसमें किसी एक मस्जिद को दूसरी पर फोकियत अगर हासिल है भी, तो वो मसाजिद हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सहाबाए कराम या उनके बड़े जो बरगजीदा हस्तियाँ या सूफिया कराम बैठते रहे. तो वो फिर एक देखा जाता है कि जी इसकी तो बड़ी अहमियत है, जिसको इसमें हमारे वो बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने क़याम फरमाया, नमाज़ पढ़ी या वगैरह वगैरह, वो एक सेंस बनता है. अदर देन दैट, हर मस्जिद दूसरी मस्जिद के बराबर है जी. और अगर एक मस्जिद और एक उसमें आपका क्लेम है ये हमारी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद है, और बाबर को आपको अपना बहुत बड़ा बरगजीदा हस्ती भी नहीं समझते. बाबर इज़ नॉट ए रिलीजियस पर्सनैलिटी इन इंडियन सब कॉन्टीनेंट. बाबर एक किंग था, और किंग की हैसियत से उसकी इज़्ज़त अपनी जगह होगी, लेकिन उसका कोई इस्लाम की जो तारीख और उसका जो फ़लसफ़ा और उसकी बरगजीदगी और उसकी जो रवायात हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं कि उसकी बुनियाद पे उस मस्जिद के रुतबे में कोई इजाफा हो. देर इज़ नो सच ए थिंग लाइक दैट. अब ये कोई फैक्टर नहीं. तो फिर ले दे के वो एक मस्जिद रह जाती है जिसका एक रकबा है, और वहाँ आप इबादत करते हैं, और वो मस्जिद जो डिमालिश की जिन लोगों ने गलत किया, उस वक्त भी हम लोगों ने कहा, सब ने कहा गलत किया, अब भी कहते हैं गलत किया, और जज ने भी कह दिया गलत किया. तो अब रहा सवाल कि अगर हिंदू वहाँ पे क्लेम करते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी हस्ती है उसका जन्म इस जगह पे हुआ, और ये अगर क्लेम सही भी नहीं है, चूँकि कोई भी रिलीजियस क्लेम जो है उसका कोई सबूत नहीं, खुद मुसलमानों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि खुदा है या नहीं है, बल्कि वो खुदा पे बिलीव करते हैं तो वो है. वो तो कहते हैं ना, हम बिलीव करते हैं, तो नो बॉडी इज़ गोइंग टू गो एंड टेल देम नो नो यू हैव नो प्रूफ. या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर थे तो कोई उनसे प्रूफ नहीं मांगता ना, उनके अकीदे पे ही बिलीव करता है कि ठीक है आप लोग बिलीव करते हैं तो ठीक है.
اب اسی طرح اگر ہندوؤں کی ایک بہت بڑی اکثریت یہ بلیو کرتی ہے کہ یہ ہمارے رام کی جنم بھومی ہے تو مسلمانوں کو چاہیے ایتھیکلی کہ وہ خود ہی ودرا کر جاتے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا اگر یہ عقیدہ ہے تو بسم اللہ لیں آپ, ہم دوسری جگہ پہ مسجد بنا لیں گے, چونکہ ہم نے تو مسجد ہی بنانی ہے نا, ہمارا تو کوئی رام یا رحیم تو یہاں پیدا نہیں ہوا تھا کہ ہم اس پہ انسسٹ کریں. دس از دی ایتھیکل اسٹینڈرڈ, سو دے شوڈ ہیو ودرا. اس کے بجائے انہوں نے 50 سال تک لڑائی لڑی, پیسے خرچ کیے, قانونی جنگ کی, اور ساتھ میں ہر دفعہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کورٹ پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ 50 سال کورٹ میں ڈھونڈ کیا رہے. فرسٹ یو ہیو ٹو ڈکلیئر, یو ہیو ٹو کمٹ یور سیلف ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف دیٹ کنٹری اینڈ ٹو دی جوڈیشری آف دیٹ کنٹری اینڈ بلیو دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈیلیور جسٹس, تو تب آپ کورٹ میں مار کھاتے ہیں. وہ کورٹ میں دونوں بندے جو لڑ رہے تھے, ایک ہندوؤں کی طرف سے اور ایک مسلمانوں کی طرف سے, وہ اتنے گہرے دوست بن گئے ہیں چل چل کے. یعنی آپ دیکھیں بی بی سی نے اس پہ ایک پورا فیچر لکھا ہے کہ دے آر دا بیسٹ فرینڈس. اب ان سے بھی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, لیکن وہ جناب جو ہے اگر آپ کو اعتماد نہیں تھا کہ کورٹ آپ کے خلاف ڈیسیجن کرے گا اور اس میں تعصب ہوگا تو وائی یو آر ان دا کورٹ. اب دیکھیں نا یہ کنٹراڈکشن. اب اس کے بعد جناب ڈیسیجن کے بعد کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیسیجن کے بعد جو مدعی جس کو کہتے ہیں پلینٹف, یعنی جس نے کیس کیا ہوا ہے, فاروقی صاحب جو وہ مسلم جو وقف جو بورڈ ہے اس کا چیئرمین ہے, اس نے کلیئرلی کہا کہ آئی ایگری ود دا ڈیسیجن اینڈ آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. اس نے یہ نہیں کہا کہ آئی ڈیڈنٹ لائک اٹ بٹ آئی ایگری, اس نے ساتھ میں یہ بھی اشارہ دیا کہ مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں. وہ ہے پلینٹف, جیسے میں کیس لے کے کورٹ میں جاؤں تو میں کیس لڑوں, میں کیس ہار جاؤں تو میں کہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں, تو میرے ساتھ جو گواہ کھڑا ہے وہ اٹھ کے رونا شروع ہو جائے. اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست. یہ گواہ اور حسن اس طرف کے پاکستان سے گواہ اٹھ کے رونا شروع ہو گئے, نہیں جی یہ زیادتی ہو گئی, ہمیں جی اعتماد ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, یہ تو کورٹ جو ہیں وہ ان سے توقع ہی نہیں تھی ہمیں ایسی, جی یہ تو چونکہ پہلے سے ہی جناب ہندوازم سے اور اس طرح کی فنڈامنٹلزم کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انٹلیکچوئل جو ڈس آنیسٹی ہے اس کی ہائٹ ہے, یعنی دس از دا لمٹ وین یو گو دیٹ وے اینڈ یو بیکم بلائنڈ اور آپ نیرو مائنڈیڈ ہو کے بن ذہن ہو کے آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کورٹ کے اندر پہلی بات یہ تھی کہ یہ جو ہے یونینیمس ڈسیجن ہے, جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نارملی اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں جس میں ایک پولیٹیکل ریلیجیس اور اس طرح کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز انوالو ہوتی ہیں, اس میں آرکیالوجی ہے, اس میں ہسٹری ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, تو اس میں ہمیشہ جو ہے نا بینچ وہ سپلٹ ہو جاتے ہیں کہ مثلا 5 ججز بیٹھے تھے تو ان میں سے 3 ایک کہتے, 2 ایک کہتے یا 4 ایک کہتے, 1 ایک کہتا, لیکن یہ سب نے متفقہ ڈیسیجن ہے یہ ورڈکٹ, آل 5 آف دیم. اب جو آل 5 آف دیم ہیں اس میں کس قسم کے جج تھے, اس میں ہندو, اس میں مسلمان جج تھا, اس میں لبرل جج تھا, پروگریسو جج تھا, اور اس میں جو ہے عام جو ایک مین اسٹریم نیشنلسٹ جو تھنکنگ والا جج, تو ہر قسم کی سوچ اس کورٹ کے اندر موجود تھی. انہوں نے جو ڈیسیجن دیا وہ متفقہ ہے, اور جب بینچ جو ہے وہ ایک متفقہ ڈیسیجن دیتا ہے تو دیر از نو روم ٹو کریٹ کنسپیریسی تھیوریز لائک دس. وہ تب بنتی ہیں کہ جب بینچ کا کوئی ایک رکن ڈیسنٹ کرے یا کوئی اپنی الگ رائے جو ہے وہ دے. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بھی جو ہے وہ قطن کوئی فلاح نہیں ہے کہ ججز نے کوئی جانبداری کی ہے یا ججوں میں سے کوئی جو ہے وہ نظریاتی طور پہ کوئی ایفیلیٹ تھا یا ریلیجیسلی ایفیلیٹ تھا اس لیے ڈیسیجن ہو گیا, چونکہ یہ بڑا ایک پراپر طریقے سے اور پورے متفقہ طریقے سے یہ جو ہے اس کو کیا. اب اس حوالے سے جو لوگ لے کے آگے کنسپیریسی تھیوریاں, اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جب مدعی خود اور جو ہندو تھے انہوں نے بھی اس کو کوئی بہت بڑا یعنی باعث جشن جس کو آپ کہتے ہیں نہیں بنایا کہ جی ہم جیت گئے, جی فتح ہو گئی, فلاں ہو گیا, انہوں نے بھی اس کو بڑا جو ہے مائلڈلی اور بہت ہی ماڈریٹلی اس کو لیا ہے, اور باقی لوگوں کو بھی منع کیا ہے کہ اس میں ہار اور جیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک ڈسپیوٹ تھا, ملکیت کا ایک ڈسپیوٹ ہے جو کورٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا, اور کورٹ سے بہتر اس مقصد کے لیے کوئی فورم نہیں ہوتا. دیز گائز دے آر ٹرینڈ اینڈ بلٹ فار ڈوئنگ تھنگز لائک دس. تو اس کے بعد یہ بات جو ہے وہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی, لیکن میں دیکھ رہا تھا اخبارات, خصوصاً اردو اخبارات میں ایک سے ایک عظیم شان قسم کی منطق آ رہی ہے
कि वो जी जज ने पॉलिटिक्स खेली है जी, वो उन्होंने करना ये था, व्हाई दे डिसाइडेड नाउ. पहले सवाल ये करते थे कि व्हाई दे डिडंट डिसाइड बिफोर, व्हाई दे डिसाइड नाउ. अब ऐसे ऐसे सवाल करने का मकसद ये होता है कि यू आर नॉट ए पॉजिटिव पर्सन, नंबर वन. यू डोंट वांट पीस बिटवीन टू कम्युनिटीज, और आपको जो है वो हमेशा एक फितना फैलाना, फसाद जिसको कहते हैं, ज़मीन पे फसाद फैलाने का अमल और ऐसे आर्गुमेंट की तलाश होती है कि जिसकी मौजूदगी में आप जनाब जो है वो लोगों को इश्तियाल दिलाएं, उनको प्रोवोक करें, उनको आपस में लड़ाएं. तो मैं समझता हूं कि एज़ फार एज इंडियन मुस्लिम इज़ कंसर्न, उन्होंने इसको बड़ा प्रॉपरली लिया है विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू. अब वो फ्यू में से कुछ ऐसे हैं जिनको लॉजिक नाम की कोई चीज़ वो सिर्फ शोर डालते हैं, जिसमें असदुद्दीन अवैसी है एक, कि वो बस ये शोर डालेगा कि जी हाँ जी ये तो, वो मस्जिद अगर होती तो क्या होता. व्हाई यू आर सेइंग दैट यू आर ए ट्रेंड लॉयर, तो ये सवाल उठता ही क्यों है कि मस्जिद होती तो क्या होता. एवरीबॉडी नोज कि मस्जिद होती तो जज डिफरेंट डिसीजन करते, चूँकि मस्जिद होती तो जज ये नहीं कहते कि तुम जाओ और इसको डिमालिश करो और इसकी जगह राम मंदिर बना दो. उन्होंने इस फैक्ट को सामने रख के ये डिसीजन किया कि देर इज़ नो मस्जिद. कम ऑन, टू बी एट लीस्ट ए लिटल बिट रीजनेबल एज ए बैरिस्टर और एज ए पॉलिटिशियन मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट. अब ये क्या है कि इन लोगों ने अपना जो बेस बनाया हुआ है वो नफरत पे है जी. मुसलमान के अंदर खौफ पैदा करके उससे वोट लेते हैं, हिंदू से डरा के उससे वोट लेते हैं, और हिंदू को मुसलमान से डरा के कि ये बहुत ही ख़तरनाक आदमी है और मैंने रोका हुआ है वरना ये तुम्हें निगल लेगा, तो उससे फ़ायदे उठाते हैं. ये यानी इस तरह के लोग हैं जिनका ये अब बिज़नेस बन गया, इस्लाम, मज़हब, मस्जिदें, दीन, ये सारी चीज़ें. तो उनकी बात तो मेरी समझ में आती है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कुछ ऐसे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोगों को, जो कि हमारे कबीले के लोग हैं और वो समझते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, उनको मैंने इतना बड़ा कन्फ्यूज़ देखा कि वो जिस तरह हेडलेस चिकन होता है कि कोई आर्गूमेंट उधर से ले रहे हैं, कोई आर्गूमेंट उधर से ले रहे हैं. व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट. भाई ये सीधा सीधा एक लीगल इशू है जिस पे एक सीधा सीधा लीगल डिसीजन आया है. बी पॉजिटिव, टेक इट एज इट इज़, डोंट थिंक अबाउट कंस्पिरेसी थ्योरीज, डोंट क्रिएट थिंग्स. जो है उसकी फेस वैल्यू पे लो. जब मुसलमान ख़ुद उसको ले रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल्स जो जिन्होंने ये सारा लड़ाई लड़ी इतनी तवील सदियों पर मुश्तमिल, वो इस पे मुतफिक हैं. एवरीबॉडी इज़ ओके, यू हैव ए प्रॉब्लम बिकॉज आई डोंट नो व्हाई. तो इसलिए मुझे इस पे जो है वो बड़ी हैरत हुई कि ये जो है वो इस तरह हुआ. और फिर उसके बाद अब पाकिस्तान में कुछ दानश्वर जो अपने आप को रोशन ख्याल भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, वो उनकी राय भी मिलजुल के तो जाके इस नीनी के साथ जुड़ती है. इसलिए कि दे डोंट हैव कैरेज टू स्पीक द ट्रुथ. और उनके नज़दीक ये है कि ये अब इतना बड़ा एक बहार है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन इतनी बड़ी मिसगाइडेड है बिकॉज दे डोंट वांट टू हेयर दिस, सो दे स्पीक देयर लैंग्वेज. अब एक दानश्वर का क्या काम है कि वो अवाम के प्रेशर में आके झूठ बोले या अपनी ओपिनियन चेंज करे. अगर आप अवाम के रेले पे चलेंगे और अवाम आपको धकेल के आपके मुंह से जो बात मर्जी है निकलवाएंगे, अवाम के प्रेशर में आके आप सच और झूठ का फैसला करेंगे, अवाम को देख के आप नैरेटिव डिवेलप करेंगे, तो यू आर नॉट ए इंटेलेक्चुअल. आप बद्यानत किस्म के एक झूठे फ्राडिये किस्म के इंसान हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं. थैंक यू मिस बशानी. ऑडियंस प्लीज टू गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक. थैंक यू. All natural sweetener, flavor all. 20 flavors to choose from. The perfect substitute for sugar and artificial sweeteners. Flavor all by Greenish. Flavor all from Greenish, now available at Rexall Pharmacies. Welcome back, viewers. Ms. Bashani, thank you for discussing that topic. And now my next topic is about Kartarpur and how it has, the Kartarpur temple in Pakistan, it has opened the gates. And I'm sure there has been a reaction and like from the Sikh community that's able to go there now. Can you please discuss something on that? हाँ, ये भी उसी तरह का ये एक अयोध्या की तरह का ये एक टॉपिक सम्मिलन है, लेकिन इसमें और ज़्यादा कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन का प्रूफ दिया है. और मुझे बड़ी हैरत हुई है कि
हमारी सोसाइटी का जो दानश्वर तबका है वो कितना कन्फ्यूज्ड है, और जिस सोसाइटी के दानश्वर इतने कन्फ्यूज्ड हैं उसमें आवाम का क्या हाल होगा। अब उसमें आवाम पे बात करने की क्या फ़ायदा, और हम कहते हैं हमारे हुक्मरान जो हैं वो डबल स्टैंडर्ड हैं और झूठ बोलते हैं और उनको समझ नहीं आती, तो ये समझ में आने वाली बात है। चूँकि हुक्मरान तबकात को दानश्वर जो है वो गाइड करते हैं, हुक्मरान दानश्वर नहीं होते, हुक्मरान आवाम से वोट लेते हैं, उनकी पब्लिक फॉलोइंग होती है, उनमें करिश्मा होता है लोगों को साथ चलाने का, लेकिन वो दानश्वर नहीं होते। ये तो इंटेलेक्चुअल का काम है कि वो इस तरह की चीज़ों पे एक एक नुक्ता सामने लाता है जिसको, जो कि एक गाइडेंस का वो होता है। तो मैंने देखा कि जो लोग क्लेम करते हैं अपने आप को कि हम बड़े तरक्की पसंद हैं, हम बड़े बड़े रोशन ख्याल हैं, वो इस नुक्ते पे आके तो इतने बड़ी फ़िरका परस्ती का शिकार हो गए, और इस कदर जो है वो दिल मिल यकीनी का शिकार हो गए कि आई कुडंट बिलीव। और मुझे तो हैरत हुई कि ये जो हम इतना ऐसा इस तरह के दानश्वरों पे बिलीव करते हैं उनका अगर ये हाल है, तो जिन पे हम नहीं करते उनका क्या हाल होगा। तो ये करतारपुर का जो काम हुआ है इसको भी मैं मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखता हूँ। पहले तो इस पे बहुत सारे नैरेटिव हैं मुख्तसरन जो लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। कुछ जो है अक्रॉस द डिवाइड दोनों तरफ, एक सरकारी नैरेटिव है, एक जो है वो आम लोगों का नैरेटिव है, दानश्वरों का नैरेटिव है, और एक सरदारों का जिनका ये एक मेन मसला है, यानी उनका फर्स्ट हैंड मसला जो इसमें इंटरेस्टेड डिज़ायर है उनका अपना नैरेटिव है। इंडिया में जो नैरेटिव है वो ये है कि जी ये जो पाकिस्तान ने ये काम किया इसके पीछे एक खुफिया एजेंडा है, और जिन लोगों का ये नैरेटिव है उनकी राय ये है कि पाकिस्तान को अच्छा काम कर ही नहीं सकता, यानी दे स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि बिकॉज पाकिस्तान कैन नॉट डू एनी गुड एक्ट, तो फिर ये कैसे हो गया। यानी फिर अपने आप से वो ये सवाल पूछते हैं कि जब एक मुल्क को काम अच्छा कर ही नहीं सकता ये कैसे कर लिया। यानी इसी सवाल को उल्टा करके भी पेश किया जा सकता है, बट दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू डिसलाइक समवन और यू डिसलाइक ए कंट्री और यू डिसलाइक ए प्लेस, सो नो मैटर व्हाट इज़ देयर यू डोंट वांट टू सी इट। ये पोजिशन मैंने नोट की। तो उनकी दलील चूँकि ये है कि चूँकि पाकिस्तान को अच्छा काम नहीं कर सकता इसलिए इतना अच्छा काम कर कैसे गया, ये बिल्डिंग बन कैसे गई, यानी दिस इज़ ए स्टनिंग बिल्डिंग। और इस वक्त मेरे ख्याल में बर्रे सगीर में सबसे जो है वो खूबसूरत जो कोई रिलीजियस प्लेस है वो ये बन गई, नंबर वन मॉडर्न विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज, चूँकि रिलीजियस प्लेसेस जो है दे आर क्रैम्बलिंग एंड वो जो है वो रन डाउन है और उनमें इस तरह का सिस्टम नहीं है, चूँकि पुरानी बनी हुई है कोई 200 साल 400 साल, तो दिस इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट इस साल की। दूसरा सवाल वो ये करते हैं कि इतनी जल्दी कैसे बन गई, यानी इसमें भी साजिश है, अगर आप जल्दी में कोई बिल्डिंग बना लें तो देयर मस्ट बी ए कंस्पिरेसी, अदरवाइज पाकिस्तान में तो बिल्डिंगें बनाते बनाते 50 साल गुजर गए अभी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। देयर आर सो मेनी बिल्डिंग्स दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन एंड दे स्टार्टेड राइट फ्रॉम 1947, सो हाउ कम सड़कें वहाँ पर एक सड़क को बनते बनते 1947 में जो है अभी कायदे आजम जिंदा थे तो उसका संगे बुनियाद रखा गया था, अभी तक वो सड़क नहीं बनी। तो ये करतारपुर की सड़क रातों रात कैसे बन गई, ठीक है जी। अब इस तरह के आर्गूमेंट का ज़ाहिर है किसी के पास कोई जवाब नहीं, और इस आर्गूमेंट को टोटली गलत भी इसलिए करार नहीं दिया जा सकता कि देखें हर बड़े अमल में जो किसी मुल्क की एजेंसीज होती हैं या इंटेलिजेंस इदारे होते हैं उनका अपना एक वो होता है, उसकी अपनी एक नज़र होती है, वो हर इवेंट को उन्होंने देखना होता है कि ये काम हो रहा है, इफ़ ए थिंग इज़ टेकिंग प्लेस इवेंट इज़ अनफोल्डिंग तो इसको हम किस तरीके से जो है वो करेंगे। चूंकि ये उनका फर्स्ट एंड जॉब ये है कि आप ये कॉरिडोर खोल रहे हैं वहाँ लाखों की तादाद में जो है वो सिख हज़रात आएंगे तो इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या हैं, चूँकि हमारा इंडिया के साथ एक तसादम चल रहा है उसमें हमें इसका फ़ायदा है या इंडिया को फ़ायदा है, इनको जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं या हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो डिस्कस होंगी। अब ये उस तरफ डिस्कस हो रहा है तो इज़ नॉट आउट ऑफ सेंस टोटली, लेकिन ये एक नॉर्मल और नेचुरल बात है, इसकी वजह से आप इस इतने बड़े अमल को इसको साजिश नहीं करार दे सकते, नंबर है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आर्गूमेंट इस्तेमाल हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर से जो एंटी पीस और प्रो फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं उनका तो ये है कि जी ये तो बहुत बड़ी साजिश हो रही है जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये तो इन्होंने बेच दिया,
ये तो पंजाब जो है, चूँकि रंजीत सिंह का इस पर वो था तो दारुल हुकूमत उसका लाहौर था, तो लाहौर में उन्होंने रंजीत सिंह की अभी रिसेंटली जो है पुतला लगाया है, ठीक है, और उसके बाद ये करतारपुर खोल दिया है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई यूनाइटेड पंजाब बन रहा है जहाँ के खालिस्तान का खालसा राज जो है वो वापस आ जाएगा। फिर कहते हैं जी नहीं, ये असल में कादियानियों की साजिश, कादियानी इज़ ए सेक्ट इन इस्लाम जो कि विक्टिमाइज हुआ हुआ है, ओस्टिड सेक्ट है, और उनके खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और इस तरह के हमले उन पे जो है वो सुन्नी और दूसरे मुसलमान करते रहते हैं। सो दे आर काइंड ऑफ पीपल हु आर विक्टिमाइज इन आइसोलेटेड। तो उनकी एक जगह है उस तरफ पंजाब में, उसको कादियान कहते हैं, वे आर देयर रिलीजियस लीडर्स दे वर रिजाइडिंग। तो उनकी भी वो इतनी अहमियत है जैसे करतारपुर की अहमियत है इधर। तो इनके जी ये इन्होंने एक्सचेंज किया है कि अब ये कादियान खोलेंगे जहाँ पे ये लोग जो हैं उनको ये एक तरह का तजलील अमेज लफ्ज़ है कादियान जो वो यूज़ करते हैं, असल जो है वो अहमदी अपने आप को कहना वो पसंद करते। तो ये साजिश है, और इसमें मैं देख रहा था कि एक मौलाना साहब ने मिंबर पे बैठ के तो इस साजिश का इंकशाफ किया, और वो कहते हैं कि होगा क्या कि खालिस्तान बनेगा यहाँ पर जिसका जो है वज़ीर आज़म सिख होगा और सदर अहमदी होगा, और ये ग्रेटर पंजाब की एक साजिश जो है वो बनी है। अब देखें जो लोग मिंबरों पे बैठ के महराबों पे बैठ के तो उनके दिमाग में इस तरह की साजिशों के इंकशाफात होते हैं जिस तरह के वही उतरती है, तो उनका इस सिलसिले में क्या किया जाए। लेकिन ये एक फ़िरका वाराना जहन है जिसके दिमाग के अंदर 24 घंटे ये बात कलबला रही होती है कि जी ये हिंदू हो गए, सिख हो गए, कोई अहमदी हो गए, कोई भी जो उनसे मुख्तलिफ है, एनी बॉडी हु इज़ डिफरेंट फ्राम मी इज़ माई एनिमी एंड ही इज़ आर शी इज़ हेचिंग ए कंस्पायरेसी अगेंस्ट मी विच इज़ इडियाटिक वे ऑफ थिंकिंग बट ऑब्वियसली इट प्रिवेल्स। उसके बाद इसके साथ एक थोड़ा सा जज्बाती मसला जिस पर मैं ज़ाती तौर पर ज़्यादा मैंने इंटरेस्ट लिया वो है इसको कश्मीर के साथ इक्वेट करते हैं, और वो कहते हैं कि जी करतारपुर में राहदारी और कश्मीर में मारामारी। ये जनाब रंजीत सिंह का पंजाब इकट्ठा हो गया और महाराजा हरी सिंह का कश्मीर तकसीम हो गया, एक ही वक्त में दोनों बातें हो रही हैं जी, ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बात जो लोग कह रहे हैं ज़हनी तौर पे टोटल दिवालिया है, दिवालिया जो है ना मीनिंग बैंकरप्ट, टोटली बैंकरप्ट हैं मेंटली, चूँकि इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक दूर दराज तक बनता ही नहीं है। जो सिखों के मामलात हैं या पंजाब का मसला है, पंजाब जो है वो तकसीम हुआ है और दोनों पंजाबियों ने उसको तस्लीम किया है, ठीक है ना, उन्होंने कहा हम जा रहे हैं अपना सामान उठा के, इन्होंने कहा हम इधर आ रहे हैं अपना सामान उठा के, उन्होंने अपने इबादत खाने ये सारी चीज़ें तकसीम करके एक सेटल डाउन कर लिया। अब एक तकसीम की जो इतना बड़ा एक अमल था, खून खराबा था, उसको अगर वो रिकनसाइल करके तो कम अज़ कम एक दूसरे की इबादत गाहों को वागजार करना कहते हैं या आज़ाद करना कहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल कदम है। चूँकि उनका कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा, उन पंजाबियों का इस पंजाब पे कोई दावा नहीं है कि ये पाकिस्तानी पंजाब हमें दे दो, हालांकि लाहौर उनका एक मुकदस शहर है, जस्ट इज़ नॉट जस्ट दैट प्लेस इज़ नानकाना साहब, नानकाना साहब इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जो सरदार जो सिख मज़हब है, और वो भी ज़ाहिर है पाकिस्तानी पंजाब में, तो ये दूसरे नंबर पर ये है, ये भी पाकिस्तानी पंजाब में है, सो दे हैव ए लॉट टू शेयर इन पंजाब। तो इस हवाले से अगर वो इस तरह का कोई कदम उठा रहे हैं जो हिस्टोरिकल है, जिसका बहुत बड़ा एक रिलीजियस तो एक तरफ रखें, हिस्टोरिकल और जो आपकी हेरिटेज है उसके हवाले से, आपका जो कल्चर है, आपकी जो मुश्तरका तारीख है, उसके हवाले से एक बहुत बड़ा तरक्की पसंदाना कदम है, जिसको सिर्फ एक बेहोश आदमी या ज़हनी तौर पर टोटल नफ़रत में डूबा हुआ, यानी जिसने जहर पिया हुआ है ना नफ़रत का, वो इस तरह की बात कर सकता है। रहा सवाल कश्मीर का, हम मानते हैं कश्मीर में जो कुछ हुआ वो इसके उलट हुआ कि वहाँ पे सरहदों पे लड़ाई है, वहाँ पे डेली जो है वो गोलाबारी होती है, दो आदमी इधर मारे गए, दो उधर मारे गए। कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से इस वक्त जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में चल रही है वो टोटली एक जो है वो इंतहाई ग्रेव सिचुएशन है, लेकिन उसका कंपेरिज़न बनता नहीं चूँकि कश्मीर एक अलग झगड़ा है, उसका एक अपना हिस्टोरिकल पस मंज़र है, उसका अपना एक पेश मंज़र है, और यही जो है इधर उधर मिला के हमने कश्मीर को तो इस हालत में लाया कि आज उसकी ये हालत बनी। कभी हम ले जाके उसको फ़लस्तीन से मिलाते,
کبھی لے جا کے خالستان سے ملاتے ہیں, کبھی لے جا کے باسنیا سے ملاتے ہیں, کبھی لے جا کے چیچنیا سے ملاتے ہیں. بھائی کشمیر کا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے, کشمیر از اے پولیٹیکل کویسچن, اور وہ ایک پولیٹیکل ہسٹوریکل اس کا ایک پورا پس منظر ہے جس سے اس کو کاٹ کے نہیں پیش کیا جا سکتا. کبھی آپ سکھوں کے ساتھ مل کے جلوس نکالتے ہیں, وائی وی شوڈ شیئر اے پلیٹ فارم ود خالستان؟ خالستان از ناٹ اے, ہمارے حوالے سے یہ کوئی تحریک نہیں جو ہماری تحریک کو کوئی لیجیٹیمیسی دے, آن دا کانٹریری یہ اس کو ڈی لیجیٹیمائز اور ڈسکریڈٹ کر سکتی ہے. لیکن اگر ان کو فائدہ ہے تو اس میں ہم ایک فرقہ واریت کے طور پہ یا اس میں ہم ایک سیکٹیرین ایکسٹریمسٹ کے چہرہ پہن کے آ جائیں کہ جی آپ نے ان کو کیسے راہداری دی اور ہمیں کیسے قید کیا ہوا. آپ اپنی آزادی ادھر مانگیں بھائی, قید کیا ہوا ہے تو آزادی کی بات کشمیر میں کریں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سکھوں کو اگر کوئی رائٹ مل رہا ہے اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی اگر کوئی خواہش پوری ہو رہی ہے اور ایک بہت بڑا انسانی چہرہ ابھر کے پنجاب میں سامنے آیا ہے. اب اس میں نیتوں کو خدا جانتا ہے, وی ڈونٹ نو ویئر یو اینڈ اپ, اٹ کوڈ ٹرن انٹو اے کیٹاسٹروف اور اٹ کوڈ ٹرن انٹو اے ویری ویری بگ جمپ ٹوورڈ پیس پراسپیرٹی اور سم تھنگ ایون بگر. آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ بات ہوئی تو ہم ان کو مبارک دیتے ہیں اور ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ شاردا جو ہے, شاردا از ان کشمیر, آزاد کشمیر, آزاد کشمیر میں ایک پوائنٹ ہے جسٹ لائک دا سیم سہراد سے کوئی 5-6 kilometers کے اس میں آتا ہے, وہ بھی ون آف دی اولڈسٹ پلیس فار ہندوز. تو ہم یہ مطالبہ کریں کہ اس کو بھی کھولو, ہم یہ مطالبہ کریں کہ شاہ ہمدان کے مزار پہ جانے کے لیے یہاں کے آزاد کشمیریوں کو بھی جانے دو, وہاں پہ بھی کاریڈور بناؤ, وہاں پہ بھی راہداریاں بناؤ تاکہ لوگ آپس میں مل کے رہیں. اس کے بجائے انہوں نے منہ اٹھائے ہوئے ہیں جیسے ان کے کوئی ذاتی زمین کسی نے چھین لی. سیریسلی آئی ایم ٹیلنگ یو, اینڈ آئی واز سرپرائز پیپل ہو ہیو بین کلیمنگ دیٹ دے آر پروگریسو اور پروگریسو اسٹرگل کا حصہ ہیں. تو اس لیے جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایجوکیشن کی کمی ہے اور وی شوڈ ٹیل دا پیپل کہ وٹ از دا ٹروتھ اینڈ ہاؤ وی کین یو نو آئسولیٹ ٹروتھ فرام جو ہے نا اس سے. تھینک یو مس بشانی, تھینک یو فار واچنگ اس, وی ول سی یو نیکسٹ ویک.